नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। वंदे मातरम में आज हम चर्चा करेंगे जनता परिवार की, या यूं कहें कि जनता के वोट हासिल करने के लिए बने नेताओं के परिवार की। जी हां, इस परिवार में 6 दल हैं। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 30 सांसद हैं। 2 राज्यों में अपनी सरकार है और प्रभाव 6 राज्यों में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 6 दलों के दिल मिल पाएंगे, क्या ये फिर से एक हो पाएंगे, और सबसे अहम ये कि क्या एक होकर ये बीजेपी को रोक पाएंगे। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, और इस खास चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेता कांग्रेस ज्योति सिंह, इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी नेता रंजन साहू, और साथ ही साथ हमारे साथ बने हुए हैं जेडीयू सांसद अली अनवर साहब, रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत। साल 1988 में जनता दल कांग्रेस के खिलाफ वजूद में आया था, जिसे उस वक्त बीजेपी का साथ हासिल था। लेकिन आज जो गोलबंदी हो रही है वो बीजेपी के खिलाफ हुई है। 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आइए आपको दिखाते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। गठबंधन से पहले गांठ, विलय से पहले होगा गठबंधन, गठबंधन में भी उभरे मतभेद, लालू नीतीश के बीच भी फंसा पेच, मुलायम सिंह यादव भी दिखा रहे हैं बेरुखी। क्या होगा बिहार में नया राजनीतिक समीकरण? क्या बीजेपी को मिलेगा गठबंधन में उभरी गांठ का फायदा? जिन 6 पार्टियों का विलय होना है उनमें जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी शामिल है। आपको बता दें कि 1988 में जनता दल कांग्रेस के खिलाफ वजूद में आया था, जिसे तब बीजेपी का साथ मिला था। बेंगलुरु में पुरानी जनता पार्टी के धड़ों लोकदल और कांग्रेस ने लोक मोर्चा के साथ मिलकर 1988 में जनता दल का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन ये दल वजूद में आया था, और 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2 साल के बाद ही इससे बिखराव शुरू हो गया। यानी एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की बेरुखी से जनता परिवार के 6 दलों का विलय ठंडे बस्ते में चले जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी के बीच विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में आ रही दिक्कतें भी परिवार के विलय में बड़ी अड़चन बनी हुई है, जिसके चलते परिवार के विलय की घोषणा नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इसकी कई सारी वजह भी है। सबसे पहली वजह तो यह है कि राजनीति के धुर विरोधी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ आ गए हैं। दूसरी वजह इसकी यह है कि जिस तरह से विलय हो रहा है, 2 दशक बाद यह विलय हुआ है, इसलिए भी हर एक मायने में इस विलय को खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ बिहार से रोकने की शुरुआत होगी, और ये सपना देखा गया था जेडीयू की तरफ से, वो नीतीश कुमार ने देखा था। नीतीश कुमार ही चाहते थे कि वो जनता परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दे, और इसीलिए सबसे पहला सवाल भी मेरा अली अनवर साहब से ही होगा। अली अनवर जी, सबसे बड़ा सपना जो यहाँ नीतीश कुमार की ओर से देखा गया था जनता परिवार के गठन को लेकर, अब वही सपना उनके गले की फांस बन गया है। ये हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, जब मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो पीक पर थी, तो बिहार में 10 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ जी। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, आप लोगों ने भी बताया कि ओवरऑल 31% वोट पर मिलने पर बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली। इसका मतलब ये है कि 69% वोट उनके खिलाफ था, और इसके साथ ये भी अर्थ निकलता है कि चूंकि 69% वोट बट गया, बीजेपी विरोधी जो वोट था उसका बंटवारा हो गया,
तो जनता की इच्छा थी, ये वक्त की मांग थी कि जितने एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं वो यूनाइट हों। तो जनता दल परिवार तो पहले से एक था, लालू जी नीतीश जी एक ही पार्टी में रहे हुए हैं, जेपी आंदोलन में एक साथ पढ़े, एक साथ छात्र आंदोलन में रहे, एक साथ जेल गए, एक ही दल से निकले हुए हैं। सबको पता है ये एक ही दल से निकले हुए हैं, पहले एक थे अब अलग अलग हुए हैं। और जो 69% वोट आप कह रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ है, तो आपके खिलाफ भी तो 75% से ज्यादा वोट आपके खिलाफ है, जो लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि जब इतना वोट कांग्रेस भी कभी 35% 40% पर 40 साल राज किया, और जब विपक्ष के लोग यूनाइट हो गए, कांग्रेस विरोधी वोट एकजुट हो गया तो कांग्रेस हार गई। तो उसी तरह से बीजेपी सेंटर में है तो उसके खिलाफ जितनी जो ताकतें हैं, आइडियोलॉजिकल जगह अगर छोड़ भी दिया जाए तो आंकड़े को भी लिया जाए तो ये सवाल यहाँ ये उठ रहा है, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? केवल जीत हार के लिए ही सारे फैसले करते हैं जो राजनेता है, जो जिस सवाल हाँ बताए ये सवाल किन से पूछा जाए? कुमार साहब, हाँ कुमार साहब, ये सवाल आपको बीजेपी से भी पूछना चाहिए कि कल तक जो पानी पी पी करके और पीडीपी को कोसते थे, बिल्कुल बिल्कुल मैं उनसे भी पूछूंगा, बीजेपी के भी हमारे साथ बीजेपी के नेता यहाँ पर हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ये कह के नहीं बच सकते कि आप बीजेपी से पूछिए, आप सभी नेताओं से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या राजनीति सिर्फ इसीलिए की जानी चाहिए कि कुर्सी हासिल करनी है? राजनीति इसलिए होती है कि बड़ा दुश्मन जो होता है उससे मुकाबले के लिए छोटे मोटे झगड़े निपटाने पड़ते हैं। अच्छा चलिए, तो आप कह रहे हैं कि बड़ा दुश्मन आपका बीजेपी है और बीजेपी को निपटाने के लिए आप अपने छोटे दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं? और हमारा ही दुश्मन नहीं है, बीजेपी पूरे देश का दुश्मन है। नहीं, बीजेपी को तो मान गए, लालू जी भी आपके छोटे दुश्मन है, दुश्मन नंबर दो दुश्मन है, दुश्मन नंबर दो है आपके। एक परिवार के हम लोग थे, झगड़ा भाई। नहीं, आपने कहा ना बड़े दुश्मन को मात देने के लिए छोटे दुश्मन से मिला लेते हैं, आज इसी पे बात करेंगे। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, कई बार झगड़ा लगा भी देते हैं। तो जो जब आप साथ हुए थे अली अनवर साहब, जब आप दोनों का साथ था तो बीजेपी भी साथ थी आपके। 88 की बात करें तो बीजेपी भी आपके साथ ही थी, वो भी आपके भाई ही थे, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी में सब कोई साथ थे। रंजन जी हमारे साथ हैं बीजेपी के, जी रंजन जी बताएं। बिहार में यह गठबंधन जो है तो पूरी तरह असफल है, होने जा रहा है, और खासकर आप देखेंगे कि ये हाशिए पर आए हुए नेताओं का एक समूह बनता जा रहा है और यह कभी भी सफल नहीं हो सकता है, इसलिए कि बिहार की जनता यह तय कर चुकी है कि बिहार में किसको जनादेश देना है, किसकी सरकार बननी है। आपने देखा है कि आप उस तरीके की बात मत कीजिए, अभी जो सर्वे आया है नेल्सन का उसमें आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया है, तो आप ये नहीं कह सकते भविष्य में गठबंधन का नतीजा क्या होगा, जनता किसे पसंद करती है, ये तो हम बाद में देखिए। जनता का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है, एक तरफ वो नीतीश कुमार के साथ जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थी तब का सुशासन, और आरजेडी के साथ समर्थन लेकर के सरकार चल रही है उस समय का जंगल राज 2 जो प्रारंभ हुआ है, यह जनता बिल्कुल देख रही है। और जब यह जनता देख रही है तो वो यह स्पष्ट कर चुकी है कि हमें आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए क्या करना है। स्पष्ट कर चुकी है, ये कोई फार्मूला नहीं है, कैसे स्पष्ट, वो तो स्पष्ट की है नहीं है तो चुनाव के बाद पता चलेगा, नतीजों के बाद पता चलेगा। आप देखिएगा ज्योति जी आप बताएं, जिस तरीके से आप कांग्रेस की भूमिका अभी बहुत वेट एंड वॉच में है, आप गठबंधन तो आपका पहले भी रहा है आरजेडी के साथ लेकिन हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन अभी जो हालिया डेवलपमेंट हो रहा है खासतौर पे हम केवल बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, 6 महीने के भीतर जो है वहां चुनाव होने वाले हैं। हालांकि हम देश के दूसरे भागों में जो 6 पार्टियां हैं उनके उस संदर्भ में भी बात करेंगे, लेकिन यहां पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस की यहां पर क्या भूमिका होगी? कोई भी समाज में या देश में जब राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी और हिस्सेदारी की बात होती है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये देखता है कि समाज का, देश का कौन सा
कदम उठाएं जिससे समाज और देश का ज्योति जी हमारे साथ रामानुज जी जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। रामानुज जी स्वागत है आपका वंदे मातरम में। बहुत धन्यवाद जी, बोलिए। रामानुज जी, अभी अली अनवर जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं जो जदयू के राज्यसभा सांसद हैं। वो अभी कह रहे थे कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन से जो है हाथ मिलाया जा सकता है। दुश्मन नंबर दो आपको करार दिया जा रहा है जदयू की तरफ से। नहीं नहीं, देखिए एक बात है, वो अली अनवर जी कह रहे हैं तो अतिशोक्ति में नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। अली अनवर जी के नेता वो चले गए, आज उनको लग रहा है देश की उन शक्ति के गोद में जाके बैठ गए। इन्हीं लोगों ने जाके कहा था आइए नरेंद्र मोदी, देश आपको मांग रहा है, देश मांग रहा है, और आज कहते हैं कि संप्रदायिक दाता हुआ। ऐसे ही लोग भाषा का प्रयोग करेंगे तभी नरेंद्र मोदी को न्योता देने वाले लोग हैं। लेकिन जब सुधरे, जब आए रास्ते पर, तब सही। हम तो दुश्मन नंबर एक, हम ही को डिसलॉज करने के लिए देश की फ्यूडल शक्तियां, राज्य की फ्यूडल शक्तियां, इनको बनाने के जो आज कहते हैं बीजेपी के लोग, हमने बनाया चार गो वाले को, 34 गो वाला बनाया। इसीलिए बनाया कि साहब हम जो सोशल जस्टिस के लोग थे तो उसको हटाना था, डिसलॉज करना था। तो सोशल जस्टिस और जो ये सेक्युलरिज्म हमारा प्रेसिडेंशियल है उसी को डिमोलिश करने के लिए ये शक्तियां जो अली अनवर जी इसमें है ये आए थे लोग। अली अनवर जी जदयू के सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं, नीतीश कुमार के नेता हैं, और उनके साथ आप लोग हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अभी हट गए तो हम लोग साथ आ गए। हम लोगों ने सांप्रदायिकता को हराने के लिए, हम लोगों ने भी वो जो ये हमारे एक नंबर के दुश्मन अपने को कह रहे थे, दुश्मन को हमने कहा कि नहीं सांप्रदायिकता हमारी बड़ी जो है सो लड़ाई है, तो हम छोटी लड़ाई को, छोटे दुश्मन को हमने भी भूला जी। तो सर एक महीना पहले तो आपके नेता हैं गलभैया डाल रहे थे दिल्ली में दोनों के साथ। गलभैया आज भी है, आज भी होगा, लेकिन आपने जो कहा कि अली अनवर ने कहा कि दुश्मन नंबर, अली अनवर जी सुन रहे हैं आपको रामानुज जी, अली अनवर जी सुन रहे हैं मेरे ख्याल से। अली अनवर जी अगर आप सुन रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वो वहाँ के से आए हैं। हाँ हाँ, सुन लीजिए रामानुज जी सुनिए, रामानुज जी देखिए, कुमार साहब मीडिया के लोग लड़ाने का भी काम करते हैं ना, ये कुमार साहब मेरे मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं। हमने ये कहा, एक फ्रेज है, हमने कहा कि लालू जी नीतीश जी एक साथ पढ़े हैं, एक साथ लड़े हैं, एक पार्टी में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, विवाद हुआ था, झगड़े थे आपस में, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन था। हाँ, वो एक अलग सिचुएशन था। अब ये तो पूरे देश पर खतरा है, फासिज्म का खतरा है, पूरे देश को मल्टीनेशनल कंपनियों, कारपोरेट घरानों को बेचने का खतरा है, जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है। तो आपस में छोटे मोटे झगड़े, उसी में हमने फ्रेज कहा कि कई बार होता है लड़ाई के मैदान में कि जो दो नंबर के दुश्मन से भी समझौता करना पड़ता है। आप का चुनाव करिए ना, तब का चुनाव करिए मुकेश जी को, समय नहीं दीजिए लड़ाने का रामानंद जी को, समय नहीं। हाँ, मैं वही हम कह रहे हैं कि डिस्टॉर्ट मत कीजिए बात को। अब अली अनवर साहब, आपने जो कहा था, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, आपने ये कहा था कि बड़े दुश्मन को रोकने के लिए छोटे दुश्मन से मिलाया जा सकता है हाथ। अरे भाई, उसके पहले भी कुछ ठीक है, फ्रेज के रूप में कहा, लेकिन आपने तो दिल की बात कही ना, आपके दिल की बात, आप ही नहीं, आप बाकी भी जो नेता है दिल में तो यही है। अरे भैया कुमार साहब, मैं 25 साल तक मैं भी पत्रकार रहा हूँ, आप सीनियर आदमी हैं, इस तरह से हमारी बात को आधा बीच से काट करके। चलिए आप अपनी सफाई, ये कहा कि एक साथ एक पार्टी में रहे हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, कभी कभी आपस में केस मुकदमे मारपीट भी हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक विचार के लोग, एक वेवलेंथ वाले लोग हैं, लड़ गए, लड़ा दिए गए, आज ये जरूरत है कि हम मिल करके लड़े। कई बार इसी संदर्भ में हमने कहा कि कई बार तो इससे भी ज्यादा होता है। अली अनवर साहब, एक चीज बताइए, एक चीज का जवाब दीजिए, अली अनवर साहब एक चीज का जवाब दीजिए, 6 महीने, एक साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे, एक साल में क्या बदल गया बीजेपी के साथ, जो आपके आप ऐसे आज जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए? वैसे ये बात सही है, जिस फ्रेज आप भी इस्तेमाल करें, एक फ्रेज ये भी है राजनीति में कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बीजेपी को हराने वाले हैं, कल तक तो बीजेपी के साथ मिलकर के आप उनको हरा रहे थे। हरने वाले नहीं है,
और जो कारपोरेट घराने हैं और जो कई लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं उनके दिल की मुराद नहीं पूरी होगी। अच्छा ठीक है अली अनवर साहब, ठीक है चलिए बिहार में तो आपकी बात मान गए। आप बताइए जो कर्नाटक के जेडीएस भी है इसमें साथ में देवेगौड़ा जी भी है यहाँ साथ में, देवेगौड़ा जी के लिए जनता दल यूनाइटेड कितना उपयोगी होगा कर्नाटक में? क्या है वो जब एक पार्टी हो जाएगी मर्जर हो जाएगी तो वही हमारी पार्टी हो जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मर्जर हो क्यों नहीं रहा है? हम लोगों के पार्टी में थे पहले तो मर्जर हो क्यों नहीं रहा है? हमारी पार्टी मर्जर अटक क्यों गया है? आपके अरे वो होता है, कई संस्कार के लोग, कई राज्यों के लोग, कई भाषा बोलने वाले लोग, कई तरह कई जगह कई बहुत वर्षों तक अलग रहने वाले लोग, तो कई तरह का चुनाव चिन्ह का मामला है, झंडे का मामला है और कई तरह का मामला है, सब सेटल होगा होगा। घबराते आप लोग क्यों है? बढ़िया खबर आप लोगों को देंगे हम लोग। ठीक है सर, खबर का हम इंतजार करेंगे। एक सवाल और भी पूछेंगे रामानुज जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। रामानुज जी से ये सेम सवाल है जो अली अनवर साहब से पूछ रहे थे। पेट में मरोड़ हो रहा है, असल खतरा ये है। हाँ रामानुज जी, क्यों विलय में देरी क्यों हो रही है? ये तो सबको पता चल गया है कि इस बार विलय बिहार चुनाव के पहले नहीं होगा, चुनाव के बाद ही डिसीजन होगा, लेकिन क्यों ये गांठें क्यों पड़ रही हैं? विलय तो हो चुका है, आपने देखा कि आधिकारिक घोषणा हो गई है विलय का। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के, वो भी चेयरमैन चेयरपर्सन चुन लिए गए हैं, लेकिन जो टेक्नोलिटी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइडेड जो सर्कुलर है उसको मेंटेन करने की जो मैं जो उसको समय लगे, लेकिन हो सकता है चुनाव के पहले हो जाए तो दो पास दो गुट, नहीं तो हम लोग लड़ेंगे, अलायंस में लड़ेंगे, स्टीयरिंग में लड़ेंगे, दिल मिल जाएगा तो दल मिल जाएगा जी। रामानंद जी एक सवाल और, यहाँ ये कहा गया लालू प्रसाद यादव की ओर से कि गठबंधन को बनाए रखने के लिए त्याग भी करना पड़ता है, क्या त्याग करवाना चाहते हैं मुलायम जी लालू प्रसाद यादव? ये दुनिया का रीति है कि अगर आप घर में, एक मुहावरा है, हम लोग गांव से आए हैं विधायक हुए ये अलग बात है, घर में आज रहा लेकिन गांव से आए हैं, गांव में एक कहावत है हमारे यहाँ कि घर अगर चलाना हो तो बड़का आम भतीजा को देना पड़ता है, अच्छा आम बेटा को। तो त्याग त्याग क्या करवाना चाह रहे हैं आप नीतीश कुमार से? संकेत ये है कि आप कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की दावेदारी छोड़ दे पद की? जो मुखिया जिनको बनना है, मुखिया जो है उनको इसका बात का ध्यान रखना पड़ता है कि घर चलाना है तो हमको ध्यान रखना होगा कि हम कोई मोह में नहीं पड़े। इसीलिए लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि साल में दो बार बचाया हम नीतीश कुमार को। कहना है वो समान उक्ति है कि घर चलाना हो तो त्याग बलिदान करना पड़ता है, तो भाई भाई साथ नहीं रहता है, हम तो दल की बात है तो हम अगर भाई हैं, हमारा अगर स्कूल ऑफ थॉट एक ही है, वहाँ से निकले हुए लोग हैं, हम चाहते हैं कि देश जो आज कॉरपोरेट घरानों के हाथ में बंधक गिरवी रखना है, देश में प्रचार वीर बयान वीर देश को ठगने वाले लोग आ गए हैं, नीच जात का बेटा, चार वाला का बेटा, गरीब का बेटा। अली अनवर साहब से पूछना चाहिए जो त्याग का संकेत उन तक किस तरीके से पहुंचा है। अली अनवर साहब, लालू यादव जी ने जो कहा है कि घर चलाने के लिए त्याग करना पड़ता है, विलय के लिए त्याग, त्याग से क्या मतलब है और क्या वो तैयार होंगे? देखिए पूरा अंडरस्टैंडिंग है हमारे नेताओं में और ये बीजेपी के अफवाह में नहीं आना चाहिए किसी को, वो तो चाहती ही है बीजेपी ने, उसमें कुछ किया ही नहीं, बयान आया लालू प्रसाद यादव की तरफ से के लोग। नहीं अच्छी बात है कि दो नए डेवलपमेंट हुए हैं बिहार में, भी एक त्याग करने के लिए एक एक ये इंटेंशन नियत साफ है दोनों तरफ, हम लोगों की भी उनको भी, कि हम लोगों को बीजेपी का, जान लीजिए बीजेपी को हराना है ये पक्का है, उसके लिए हम लोग आगे पीछे होंगे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो करके लड़ाई का जो पैंतरा है लड़ाई एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा एडजस्टमेंट में क्या मुख्यमंत्री पद भी होगा क्या? हाँ एडजस्ट करेंगे, मिल करके करेंगे, मजे में करेंगे, और जो हम लोगों के प्रतिद्वंदी है उनको पछाड़ेंगे, उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। यानी कि एक चीज और पूछना चाहता हूँ अली अनवर जी आपसे कि क्या नेता का नाम घोषित करके चुनाव लड़ेगी जदयू या ये जो गठबंधन होगा?
अरे भाई ये लोग हम लोग तय करेंगे ना, अभी तो नेता नीतीश कुमार है ये हैं, लालू जी ने मिलकर हम लोग को अपना थोड़े बहुमत है, लालू जी सपोर्ट किए हैं, कांग्रेस सपोर्ट किया है, सीपीआई किया है, निर्दलीय किया है, सब मिल करके लालू जी सब ने मिल करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है ना, मतलब संशय है, समय मतलब संशय है आपको जो देखा जाएगा नेता पद पे संशय है, मान ले हम इस बात को, तो इंटेंशन तो पता चल गया ना, इंटेंशन का तो पता चल गया, इंटेंशन तो जब विलय की घोषणा नहीं हुई थी तभी से पता है सबको सपोर्ट का, उसके पहले अब हम एक संकेत माने क्या, आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं एडजस्ट करेंगे और लालू यादव के समर्थन से सरकार चल रही है, के लिए भी हम लोग तैयार हैं और मिलजुल करके ही हम लोग लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे, मिलजुल के आप लड़ेंगे, बीजेपी के नेता हमारे साथ बहुत देर से बैठ करके सुन रहे हैं पूरे मामले को। रंजन जी, जिस तरीके से अली अनवर और रामानो जी कह रहे थे कि एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट क्या मतलब करेंगे नेता, इनका एडजस्टमेंट और गठबंधन यह चर्चा चलती रहेगी, ये जनता के नकारे हुए लोग हैं, जनता दे इन लोगों को, ये भाषण मत दीजिए, ये भाषण सबको पता है, आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं, लड़ाई आपसे सीधे सीधे तौर पे, जीतन राम मांझी एक बड़ा फैक्टर दलित कार्ड खेल रहे हैं वहां पे, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री से मिलके गए, क्या बीजेपी उनके साथ, जैसा कि अमित शाह ने भी संकेत दिया कि बीजेपी हाथ मिला सकती है, यानी जो एनडीए का घटक है वो बढ़ सकता है, दूसरी तरफ पप्पू यादव भी हैं आरजेडी से निकाले गए हैं, रामानुज जी से भी सवाल पूछेंगे पप्पू यादव के बारे में, लेकिन पहले आपसे, क्या जीतन राम मांझी जो जिस तरीके से आपके साथ हाथ मिलाना नजदीकियां बढ़ रही है आपसे, क्या ये फैक्टर भी काम करेगा दलित का, आपके जो दूसरे एलाइज हैं जीतन राम मांझी के आने से क्या रामविलास पासवान असहज महसूस नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी असहज महसूस कर रहा है, बीजेपी के साथ सभी कोई अपना गठबंधन बनाना चाहते हैं, इसलिए कि बीजेपी जनता के मनोनुकूल पार्टी बनी हुई है, आज जनता का आकर्षण बीजेपी के साथ है, इसलिए हर कोई बीजेपी की तरफ देख रहा है, चाहे वो मांझी जी हो, रामविलास जी हो या कोई अन्य नेता भी हो, तो ये सारे लोग बीजेपी की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि जनता का आकर्षण बनी हुई है बीजेपी। और जहां तक इन लोगों का सवाल है, इन लोगों का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, हैं, और ये लोग इसी तरह आपस में लड़ते हुए जनता के नकारे हुए लोग हैं और किनारे ही रहेंगे ये लोग। तो यहाँ बहुत नजर आ रहे हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ में जनता परिवार का विलय हुआ था कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, कम से कम वो अब बिखराव की स्थिति उसमें बन गई है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी राय जान लेते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम शिव है और मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। देखिए, जनता परिवार के जो विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये विलय होगा, वो वर्तमान में या निकटतम भविष्य में तो होता दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेच है। एक तो है जीतन राम मांझी हो गए, और उसके बाद सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे वो लालू हो चाहे नीतीश हो, तो सबकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रही हैं इस विलय में। और मुझे जो लगता है कि अभी विलय तो एक निश्चित काल के लिए अगर हम माने तो वो टल ही गया है। बिल्कुल, यहाँ सही कहा कि दो सूरमाओं के बीच का जो अहंकार है वो यहाँ टकरा रहा है। बहुत देर से कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति सिंह मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो इस स्थिति पर क्या कहेंगे। कांग्रेस का साफ मानना है कि जो भी पार्टी या दल जो समाज को तोड़ने का और जो समाज में दो भाग में समाज को बांटने का प्रयास करती है, जो कम्युनल फोर्सेस को बढ़ावा देती है, वैसे किसी भी पार्टी या सोच को कांग्रेस पार्टी उसको रोकने का, बढ़ावा नहीं देने का हमेशा प्रयास करती है। जहां तक इस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर किसी भी समाज में कोई ऐसा पार्टी, ऐसा सोच जो समाज, अभी मैंने सुना राम माधव जी कुछ दिन पहले कुछ बोल रहे थे कि चार दशकों से आरएसएस को कोई पार्टी जो है रोक नहीं पाई, वो बढ़ते चली गई, तो आज आरएसएस के बल पर जो ये सरकार बनी है, जो कम्युनल फोर्सेस जो इस देश में राज कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि ऐसे किसी भी दल को इस देश में आने से रोकने के लिए कोई भी कदम उठाना चाहिए किसी भी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, एक चीज बताइए,
आप तो इंतजार में बैठे हैं कि गठबंधन हो चाहे विलय हो, हम तो हैं ही साथ में ही दल, क्योंकि बीजेपी के साथ आप जाएंगे नहीं, और नेचुरल कहीं ना कहीं आप भी इस स्थिति में नहीं है बिहार में जो अपने बूते कुछ कर सके, तो आपको बैसाखी लेनी है वहां पे, ये तो सबको पता है। एक चीज बताइए, ये जो गठबंधन होने जा रहा है महागठबंधन, मैं और भी जो जदयू के हमारे नेता अली अनवर साहब है उनसे भी मैं ये सवाल पूछूंगा कि ये जो गठबंधन होने जा रहा है चाहे जो विलय होने जा रहा है, इसको थर्ड फ्रंट से कैसे अलग करेंगे आप? क्योंकि एक तरफ लालू जी कह रहे हैं जी कि हम ये विलय कर रहे हैं जो छह पार्टियां हैं, दूसरी तरफ फिर ये भी कह रहे हैं कि हम लेफ्ट को भी लेंगे, हम इसमें मांझी को भी लेंगे, हम इसमें दूसरे जो आना चाहेंगे उनको भी लेंगे, थर्ड फ्रंट तो यही था, तो फिर थर्ड फ्रंट क्यों नहीं, ये विलय क्यों? कांग्रेस का इन 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 जो आप सवाल करें उन सवालों पर बहुत ज्यादा जोर नहीं है, उनका सब सीधा सोच है कि कोई भी कॉम्युनल फोर्सेस जो इस समाज को बांटने का प्रयास करेगी उसको एक समान विचारधारा, एक लाइक माइंडेड पार्टियां जो है वो एक साथ हो और इस कॉम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए किसी भी, बिल्कुल हमारे साथ रामानुज जी है आरजेडी से, आरजेडी के प्रवक्ता रामानुज जी, यही सवाल आपसे है, थर्ड फ्रंट से किस तरीके से अलग करेंगे इस विलय को या ये जो गठबंधन महागठबंधन जो भी कह रहे हैं आप? हाँ नहीं ऐसा है ना कि थर्ड फ्रंट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये मर्जर की बात हमारी छह पार्टियों की हुई है, जो जनता परिवार के हम लोग पूर्ववर्ती लोग हैं जो विभिन्न नामों से पार्टियां चल रही है उसको मिलाने की बात है, बाकी हम लार्जर अलायंस के लिए जो फ्रंट या मोर्चा की बात हो रही है उसमें कांग्रेस में हम लोग कांग्रेस के साथ जो है धर्म निरपेक्षता के जो सिद्धांत के तहत हम लोग हैं और यूपीए के पार्ट रहे हैं, तो आज भी हम लोग यूपीए के पार्ट हैं और उस ख्याल से कांग्रेस के साथ, बल्कि हम लोगों ने हमारे नेता ने लेफ्ट के लोगों को, और आपने देखा कि जितना माझी या जिसके की बात की गई जी, तो जिनके थोड़े बहुत भी धर्मनिरपेक्षता में आस्था है, सामाजिक न्याय में आस्था है, समाजवाद में आस्था है, वैसे तमाम लोगों को देश के संविधान की आत्मा को बचाने के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हमने जो प्रीएम्बल में अडॉप्ट किया हुआ है कि हम एक सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट बनेंगे, तो ये सेकुलर और सोशलिस्ट स्टेट की क्रेडेंशियल को बचाने के लिए हम लोग इस सांप्रदायिक शक्ति और ये पूंजीवादी शक्ति के खिलाफ गोलबंद होने के लिए मोर्चा बंदी करने के लिए एक लार्जर जो है, लेकिन जो ये इस मोर्चे का नेतृत्व आप जिनके हाथ में सौंप रहे थे वो कल तक उनको आप कम्युनल कर रहे थे, ऑल द फैक्ट टाइम विल प्रूव ऑल द फैक्ट, ये नेतृत्व कोई सवाल नहीं है, सवाल है इशू। ज्योति सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी, कि आप जो बार बार ये बात कहते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जीत कर लाई है, बहुत अच्छी बात है, ये बात हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने कौन सी बातें बोलकर ये सरकार में आए हैं, इस पूरे देश के जनता को, भोले भाले जनता को गुमराह करके, झूठे वादे करके, आज बताएं एक साल हो गया, इसकी कौन कौन सी इन्होंने बातें पूछी? नहीं ज्योति जी, अगर झूठे वादे करके आई है जनता को गुमराह करके आप सत्ता में आए हैं, आप ये बात, वो एक फेस था, वो फेस खत्म हो गया, अल्टरनेटिव कोई उस तरह की पार्टियां नहीं थी, जनता यदि आपकी बात से कन्विंस होगी तो वोट नहीं करेगी, लोगों के पास बात वो नहीं है ना, बात आप ये कह रहे हैं 69% जो जनता है उन्होंने रिजेक्ट किया बीजेपी को, 75% से ज्यादा जनता आप लोगों को भी रिजेक्ट कर चुकी है, आपको तो 80% जनता रिजेक्ट कर चुकी है कांग्रेस को, अकेले लड़े थे आप पिछली बार, तो आपको भी तो वोट नहीं आया, इस आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग एक हुए हैं? इस आधार पर तो नहीं कह सकते ना बीजेपी को रिजेक्ट कर दी जनता ने तो अगली बार हम ही को सेलेक्ट करेगी, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो फासिस्ट फोर्सेस जो इस देश में राज करने आई है वो जनता को गुमराह करके वोट ली है, वो कोई अपने मेरिट पर वोट नहीं ली है, अगर मेरिट की बात होती तो आज इनकी क्यों हालत खराब हो रही है बिहार में, क्यों इतना माथा पच्ची हो रहा है, वो तो छोटे छोटे इलेक्शन में पर, मुझे याद जैसा नहीं, माथा पच्ची तो बात नहीं बोलना, रंजन जी मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, रंजन जी आप जवाब दीजिए, और किसी अफेयर में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो वाक्य याद आ रहा है कि अभी राज्यसभा का जब इलेक्शन हुआ था जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बीच में पड़कर जो दूसरे पार्टियों को लोगों को हराने का कोशिश कर रही थी जबकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ये चुनावी बात इनका काम क्या है, लोगों को गुमराह करना और दूसरे पार्टी को, पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, गुमराह तो आप सब लोग करते हैं, गुमराह तो आप सब लोग करते हैं, संघीय ढांचे में विश्वास है न लोगों पर विश्वास है, बीजेपी इसी पर विश्वास है, रंजन जी आप बताएं क्या? देखिए बीजेपी बिल्कुल विकास का एजेंडा लेके चलती है, बिहार के विकास के लिए जो है कि बीजेपी वहां काम करेगी और सत्ता में आएगी, जनता इसी आधार पर जनादेश
बिहार में देगी, इसलिए कि बिहार भाजपा की सरकार जिस जिस प्रदेशों में है वहां के विकास दर को आप देख लेंगे तो जनता भी इस बात को जानती है। देखिए जब नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने भी स्पेशल पैकेज की बात की थी, कहां गए वो बात, कहां गए जब विकास की आप बात करते हैं। विकास में रंजन जी आपने बात करें, रंजन जी आपने जो कहा जब बीजेपी शासित दूसरे राज्य हैं उनके राज्यों के विकास दर को देखे, लेकिन दूसरे राज्यों से बिहार की तुलना मुझे लगता है करना बेईमानी होगी, क्योंकि आप बात पूरी सुन लीजिए, क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, कास्ट पॉलिटिक्स से आगे अभी तक वहां नहीं कोई भी, मुझे लगता है कि आप लोग भी सहमत होंगे, और ये जो विलय और गठबंधन आप कर रहे हैं उस कास्ट के इक्वेशन में ही कर रहे हैं, और अंदर से तो बीजेपी डरी हुई है भाई, बीजेपी को भी लग रहा है ये जो इक्वेशन है वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, जीत का फार्मूला बन रहा है, और इसीलिए बीजेपी मांझी से भी आप हाथ मिला रहे हैं, पप्पू यादव से भी आप हाथ मिला रहे हैं, दूसरे के लिए भी दरवाजा खोल के आपने रखा है, तो आप ये नहीं कहिए जो दूसरे राज्यों में विकास के नाम पर आप बिहार में तो वोट नहीं मांगेगा, और बिहार में अगर विकास के नाम पे आपको वोट मांगना होता तो आपके नेता इतने चिंतित नहीं होते, और दूसरे दल खासतौर पे मांझी को आपने मांझी के लिए जो दरवाजा खोल के रखा है ये आप नहीं करते। यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी रंजन जी से, क्या आप मांझी का इस्तेमाल करेंगे? एक एक शब्द में आंसर। देखिए मांझी जी जनता का जो है जो कि विश्वास प्राप्त किए हुए नेता है और वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा बीजेपी में, और आप देखेंगे विकास की जो बात कर रहे हैं बिहार में जो 7.5 साल सरकार चली है और बिहार में जो भी विकास आपने देखा है चाहे वो सड़क हो स्वास्थ्य हो आप नजर डालकर देख लें तो आप सड़क में नंदकिशोर यादव चंद्रमोहन राय और सुशील कुमार मोदी के वित्तीय प्रबंधन का परिणाम था कि जो भी बिहार में विकास नजर आया है वो इन नेताओं के कारण बिहार में विकास नजर आया। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। एक तरह से भानुमती का कुनमा है और भानुमती का कुनमा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा ऐसा लोग कहते हैं, एक कुनमा मुझे नहीं लगता कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अब जैसे माननीय नीतीश जी और माननीय लालू प्रसाद जी बिल्कुल ये आपस में 36 का आंकड़ा थे जी कैसे हो जाएंगे, फिर इधर लालू पर हमारे यहाँ के मुलायम सिंह जी और वहाँ के ये लोग आपस में 36 का आंकड़ा रहा नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पर भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस सरकार को रोकने के लिए ये लोग आपस में टक्के तो जरूर होना चाहते हैं, लेकिन जब ये अपने स्टेट में जाएंगे अपने राज्य में जाएंगे तो ये वहां पर बिखर जाएंगे। अली अनवर साहब से ये सवाल पूछेंगे, अली अनवर साहब जिस तरीके से जयललिता के मामले में जो फैसला आया वहां तमिलनाडु में जिस तरीके से राहत मिल गई जयललिता को और उसके बाद से लालू यादव का ये बयान आ रहा कि भाई संकेत त्याग करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि अब लालू यादव भी सोच रहे हैं शायद उस तरीके का, हालांकि वो उतने खुशकिस्मत नहीं रहे हैं उन वो सजा उनको कोर्ट ने दे दिया था, लेकिन इससे पहले लालू यादव ये कह रहे थे कि हम छोटे भाई को मौका देंगे, छोटे भाई कह रहे थे नीतीश जी को, लेकिन जयललिता का जो फैसला आया उसके बाद से उनके सुर बदल रहे हैं। देखिए कुमार साहब, हम लोग समझते हैं बीजेपी की बेचैनी को और बीजेपी का प्रचार तंत्र कितना मजबूत है, ये खुद बेचैन है और बेचैनी देख रहे हैं, इसकी यही पूंजी है प्रचार अफवाह ही पूंजी है, और आपस में इन लोगों का चले तो मियां बीबी को लड़ा दें, भाई भाई का को खून का प्यासा बना दें, यही राजनीति करते हैं, तो उस प्रचार तंत्र से हम लोग तो सतर्क है ही, आप लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। मौका तो आपने ही दिया ना, ठीक है तो अब हम लोग समझ गए हैं ना कि मैंने क्या प्रचार तंत्र का क्या किस तरह से ठगा है, किस तरह से लोग छला हुआ महसूस कर रहे हैं, कहाँ आया 15 लाख रुपया हर खाते में, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था तो कहाँ मिला, बिहार की जनता के बीच जाकर ये क्यों नहीं बता देते कि विकास को लेकर आपका क्या एजेंडा है? यही बीजेपी श्रेया जी आपकी यही बीजेपी कह रही थी कि 1.5 गुना लागत मूल्य का हम समर्थन मूल्य देंगे, खेत लागत मूल्य का 1.5 गुना जोड़ करके समर्थन मूल्य देंगे, उसका क्या हुआ, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को काम देंगे हर साल, यही एक तो साल के लिए पूरे नौकरियों पर सरकारी बहाली पर पाबंदी हो गई, तो ये सब जनता देख रही है, ठगों को
ठगने वालों को पहचान गई है जनता, इसमें जवाब देगी। दिल्ली के चुनाव से भी जरा देखना चाहिए दिल्ली में क्या हालत हुआ, उससे भी बुरी हालत। हम लोग मिल के लड़ जाएंगे तो पटना में बिहार में इससे भी बुरी हालत बीजेपी की होगी। और यदि मान लीजिए अगर ये गठबंधन नहीं हुआ आपका तो क्या होगा? होगा ना, हम तो कहिए रहे कि होगा भाई, इसको लिख लीजिए ये पक्का है। सीट पे लड़ाई नहीं होगी, सीट पे लड़ाई नहीं होगी। कोसी है। कोसी में किसको देंगे सीट सर? जो लड़ाई चल रही है आपकी कोसी बेल्ट पे, इसलिए हराएंगे कि जनता का समर्थन है हमको, हमको कारपोरेट घरानों का और हमको प्रचार तंत्र का समर्थन नहीं है। सर आप बार बार कह रहे हैं जनता का समर्थन है, अरे बीजेपी भी सत्ता में जनता के समर्थन से ही आई है ना, जनता का तो सबका समर्थन है। और इसका ट्रायल हो गया है कुमार साहब, इसका ट्रायल हो गया है। 10 सीट पर चुनाव हुआ था, हम लोग आपस में तालमेल करके लड़े और हरा दिया बीजेपी को। और उस समय तो पीक पर पॉपुलैरिटी थी मोदी साहब की, अब तो धड़ाम से नीचे इनके हवा, गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब तो दिल्ली से भी खराब हालत होने वाली है इनकी। मेरे ख्याल से रंजन जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए अली अनवर साहब का जी, हम तो आपसे भी गठबंधन करना चाहते हैं। मीडिया के लोगों की भी पिटाई हो रही है ना बीजेपी के राज में, देखा हरियाणा में कितनी। हम तो कहते हैं कि आप लोग भी समझ जाइए और इन लोगों को सर सच का साथ देने वाले के साथ ऐसा ही होता है। हम इससे घबराते नहीं है मीडिया के लोग, हम तो जो सच होगा वही कहेंगे। आप भी अगर बिहार में हमारे पे हाथ उठाएंगे मंजूर है। वही हम कह रहे हैं कि इन लोगों का और तेजी, आप लोग करते हैं लेकिन और तेजी से जनहित में, देश हित में प्रजातंत्र रहेगा तभी मीडिया की आजादी रहेगी। तो मीडिया के मुंह पर भी जाब लगाने वाले लोग हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है लास्ट कमेंट लेने का, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी बीजेपी। अली अनवर साहब के हताश और निराश बॉडी लैंग्वेज को तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह जो है सो कि हताशा में एकजुट। मुझे तो हताश नहीं लगे, मुझे तो कॉन्फिडेंट लगे। एकजुट आपको भले ही लग रहे हो, एक नहीं है, हम लोग तो हताश देख रहे हैं इनके बॉडी लैंग्वेज को, हताश देख रहे हैं किस तरह निराशा में निराशावादी बातें कर रहे हैं कि एकजुट होंगे और फिर जाकर के इनको रोकेंगे। विकास की कहीं चर्चा इन्होंने अभी तक नहीं की, न तो बिहार के विकास की और न जो सो कि आगे क्या करेंगे। ये तो जनता जो निर्णय करेगी वो। ज्योति जी, ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में सारी पार्टियां एक हो रही हैं, ये बात कहना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर 4-5 दलों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, वो वहां एनडीए इलेक्शन लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ेगी। अगर अकेले लड़ने की बात होती तो रामविलास और कुशवाहा जी और ये मांझी जी को जो चारा देने का प्रयास हो रहा है, और पप्पू यादव जो पार्टी छोड़कर गए हैं, जो पार्टी उनको भी चारा देने का जो प्रयास हो रहा है जी, तो जी। वो भी भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं है। आप वो क्या भी करेंगे? दलों आप क्या करेंगे? वो भी क्या करेगी? कांग्रेस इंतजार करेगी इशारे का? कांग्रेस इंतजार करेगी इशारे का जो आप भाई हमको बुलाओ कब बुला रहे हो? कांग्रेस इसका 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 जब कांग्रेस को पूरा सम्मान मिलेगा, उचित सम्मान मिलेगा, हमें लगता है हाईकमान उस पर अपना निर्णय सुनाए। चलिए आपकी सारी बातें हाईकमान पे आके रुकती है। अली अनवर साहब आखिरी कमेंट जी, क्या कहेंगे? हम लोग देखिए, हम लोग राज्य के हित में, देश के हित में जो पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट घरानों को और गरीब विरोधी, किसान विरोधी जो इस मोदी जी की सरकार की नीतियां हैं उनको पराजित होने के लिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले, सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले गरीब पक्षी, गांव पक्षी लोग हैं, सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने खास कार्यक्रम में सभी मेहमानों का। नेता कांग्रेस ज्योति सिंह जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन साहू नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, इसके अलावा जेडीयू सांसद अली अनवर साहब का भी बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और हमारे साथ मुकेश कुमार रेसिडेंट एडिटर हमारे चैनल के, उनका भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। और इसी के साथ आज के खास वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। केजरीवाल ने नया टीवी फोड़ डाला। केजरीवाल के दोस्त ने उनसे पूछा, भाभी जी इतने प्यार से नया टीवी खरीद के लाई थी और आपने फोड़ दिया, आखिर क्यों? केजरीवाल बोले, तुम ही बताओ यार, गुस्सा ना आता मुझे, एलजी का टीवी था वो।
राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक सोच है। और विद्या बालन कहती है कि जहां सोच है वहां शौचालय है। बहुत कंफ्यूजन है यार।